हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तोड़ दाखिले होने की वजह से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्कूलों में दाखिलों की बढ़ोतरी करने के लिए सरकारी स्कूलों के मुखियाओं और अध्यापकों का विशेष रोल रहा है, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर ऐसे स्कूलों को सम्मानित करने का फैसला लिया है जिन्होंने निर्धारित मापदंड से ज्यादा दाखिले किए हैं। कोरोना काल में इस बार हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नए छात्रों के रिकॉर्ड तोड़ दाखिले हुए हैं, जिसके चलते सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले दो सालों में 4,40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों में एडमिशन लिया है। दाखिलों में बढ़ोतरी करने के लिए विद्यालयों के मुखियाओं और अध्यापकों का काफी अहम योगदान रहा है, जिसको देखते हुए हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंड से ज्यादा एडमिशन करवाने वाले विद्यालयों के अध्यापकों और मुखियाओं को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इसमें विभाग की तरफ से हमारे पास एक सर्कुलर आया है, जो लेटर आया है, उसके अनुसार प्राइमरी के लिए, मिडिल के लिए और हाई और सेकेंडरी के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले दो वर्षों में जो एनरोलमेंट बढ़ी है पिछले साल और अब की बार, एक अभूतपूर्व हमारे यहाँ वृद्धि हुई है एनरोलमेंट की। पिछली बार हमारे पास 77,000 बच्चे थे, अब की बार इस टाइम पे 86,000 बच्चे हमारे हो चुके हैं। तो उन सभी स्कूलों को, इन सभी टीचर्स को, मुखियाओं को सम्मानित करने का उद्देश्य है, तो जिसमें हमने जो सूचना है सभी बीओ के मार्फत मांग ली गई है, जैसी सूचना प्राप्त होगी तो उपायुक्त महोदय के सामने वो रख दी जाएगी और उसके अनुसार टीचर्स को, स्कूल मुखियों को सम्मानित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के प्रति इस बार अभिभावकों और बच्चों का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस बार हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तोड़ दाखिले हुए हैं। बहरहाल, अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।